हेलो स्ट्रेंड्स सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम ऑन बायो एनवायरमेंट चैनल होप यू ऑल आर गुड सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेकंड किंगडम किंगडम प्रोटेस्टा एज यू हैव रेड अबाउट किंगडम मोनेरा दैट इज फर्स्ट किंगडम सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट किंगडम प्रोटेस्टा ठीक है तो किंगडम प्रोटेस्टा को जो है फाइव पार्ट so, में क्लास किया गया दैट इज क्राइजोफाइट्स डायनोफ्लैजलेट्स यूक्लेनाइट्स लाइमोल्स एंड प्रोटोजुआंस सो वन बाई वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो फर्स्ट है आपका क्राइज़ोफाइट्स जिसको हम डायटम्स भी कहते हैं नाउ डायटम्स के फ़ीचर्स क्या क्या होते हैं तो ये जो क्राइज़ोफाइट्स के मेंबर्स होते हैं ठीक है इनको हम गोल्डन एलगी भी कहते हैं ठीक है डायटम्स एंड गोल्डन एलगी गोल्डन एलगी इस जिसको हम डैसमिट्स कहते हैं ठीक है ये जो है गोल्डन एल्गी जो है ये किस क्राइजोफाइट्स के मेंबर है ठीक है अगर इनके हैपटेड की बात की जाए तो ये फ्रेश एंड मैराइन इन्वायरमेंट दोनों में पाए जाते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं ठीक है वाटर में फ्लोट करते हैं इनको प्लैंकटॉन्स भी बोलते हैं ठीक है मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक करते हैं उनका जो सेल वॉल होता है डाइटम्स का वो थीन होता है ठीक है और एक दूसरे को जो है ओवरलैप किया होता है ठीक है जैसे कि सॉप बॉक्स होता है लाइक अ सॉप बॉक्स ठीक है सॉप बॉक्स का जिस तरह जो कवर होता है ठीक है बेस को जो है जिस तरह फिट किया होता है ठीक उसी तरह लाइक अ सॉफ्ट बॉक्स इनका जो सेल वॉल होता है एक दूसरे को ओवरलैप किया होता है ठीक है और फिट होता है एक दूसरे में और इनका जो वॉल्स होता है सेल का वॉल्स उसमें सिल्केसियस होता है ठीक है सिल्का से बना होता है उसमें सिल्का एम्बेडेड होता है ना डाइटम्स जो होते हैं ये क्राइजोफाइट्स के मैंबर है डाइटम्स ये जो है इनका जो है सेल वॉल जो है क्या होता है डिपोजिट होते जाता है जहाँ पे ये रहते हैं ठीक है थीके? जहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं उनका जो है धीरे धीरे जो है सेलवॉल जो है सॉयल में अर्थ पे जो है डिपोडि डिपोजिट हो जाता है ठीक है और ये बिलियन ऑफ ईयर्स में क्या होते हैं कि एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उस अर्थ को डाटेमेसियस अर्थ कहा जाता है ठीक है डाटमेसियस अर्थ ठीक है और वहाँ का जो सॉइल होती है उस अर्थ की चूँकि डाइटम्स का जो, जो सेलवॉल है वो क्या है सिल्क सिल्केसियस है सिल्का से बना है तो वो सिल्का वहाँ पे जो है कुमलेट हो जाता है ठीक है और वो सॉइल जो है रिच इन सिल्का होता है तो वो सॉइल यूज होता है पॉलिसिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरप ठीक है तो डाइटम्स को जो है वो ओसियन के चीफ प्रोड्यूसर्स भी होते हैं ठीक है डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओसियन ओके सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डायनो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आ, क्राइजोफाइट्स के जो है एग्जांपल हो गए यूनोटिया डायप्लोनिस ट्राइसिरेटियम ठीक है नाविकुला लिमोफोरा चैटोसिरोज ये फिगर है इनके ठीक है कुछ ये क्राइजोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं ओके सो so, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड डाइनोफ्लेसलेट तो ये जो डायनोफ्लेसलेट्स होते हैं ये मोस्टली जो है मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं ठीक है फोटोसिंथेटिक करेंगे और इनमें चूंकि पिगमेंट प्रेजेंट होता है ठीक है तो वो एपियर करते हैं येलो ग्रीन ब्राउन या फिर ब्लू और रेड ठीक है डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन दर सेल्स ओके उनका जो सेल वॉल होता है उसमें जो है सेलोज प्लेट होता है आउटर सरफेस पे ठीक है सेलोजिक सेल वॉल सेल होता है उन कुछ में जो है टू फ्लैजला प्रेजेंट होती है जिसमें कि एक लॉन्ग टूटनली होती है और एक क्या होती है ट्रांसवर्स होता है ठीक है दो फ्लैजला प्रेजेंट होती है बिटवीन द वाल प्लेट्स ठीक है जो सेलजिक सेल वॉल होता है उनके बीच जो है दो फ्लैजला प्रेजेंट होती है एक लॉन्ग टूडनली पाई जाएगी और एक ट्रांसवर्सली होगी ठीक है दोनों से निकली हुई होगी कुछ रेड आइनो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गोनेलॉक्स ठीक है ये जो होता है क्या करता है कि सी में जो है अपना जो है अपने को मल्टीप्लाई करके जो है अपना नंबर इंक्रीज कर लेता है और जिसकी वजह से चूँकि रेड होता है तो अर जो अर सी होता है वो भी जो है रेड कलर का अपीयर होता है जिसको रेड टाइट्स कहते हैं ठीक है और जो है अब ये क्या करते हैं कि टॉक्सिन रिलीज करते हैं चूँकि जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं तो जो मैराइन एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है ठीक है क्योंकि वो जो है ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं चूँकि उनके सरफेस पे ये रेड टाइट्स पाए जाते हैं ठीक है गोनालॉक्स प्रेजेंट होता है तो सारा ऑक्सीजन यहीं जो है कवर कर लेता है तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते ठीक है तो उनकी डेथ हो जाती है तो ये हुआ आपके डायनोफ्लेजलेंट्स हो गए ठीक है दिस इज़ एन सी आर टी बुक ठीक है तो एन सी आर टी की लाइन बाई लाइन हम डिस्कस करेंगे नाउ नेक्स्ट इज यूगलेनाइट्स यूगलेनाइट्स जो होते हैं मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं ठीक है थीके? उनका जो सेलवॉल की जगह पे जो सेल है उनमें सेलवॉल नहीं होता है ठीक है सेलवाल की जगह जो है उनमें एक प्रोटीन रिच लेयर आ, लेयर होता है जिसको पैलकल कहते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो होती है क्या होती है फ्लैक्सीबल होती है इनमें भी टू फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एक शॉर्ट होता है और एक क्या होता है लॉन्ग होता है ये फोटो करते हैं ठीक है सनलाइट के प्रेजेंस में और कभी कभी ये जो है हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं ठीक है क्योंकि ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को प्रिडेट भी करते हैं ठीक है मार के उनको अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं तो समटाइम दे बिहेव लाइक आल्सो हैट्रोटॉपस तो सो दे आर एट्रोटॉपिक एंड हैट्रोटॉपिक बोथ और इनका इनमें पिगमेंट चूंकि प्रजेंट होता है तो ठीक प्लांट्स की तरह इनमें जो है पिगमेंट प्रजेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल यूगलिना यू कैन सी द डायग्राम ऑफ यूगलिना ठीक है दिस इज़ यूगलना इनमें जो है पिगमेंट्स प्रजेंट है ठीक है पैलिकल प्रेजेंट है इनमें फ्लेजला भी प्रेजेंट है एक साठ होती है और एक क्या होती है लॉन्ग होती है नेक्स्ट वी विल टाक अबाउट स्लाई मोड्स ये साप्टोफिटिक है ठीक है इनका बॉडी जो है मूव करता है लीफ लीफ के ट्विग वगैरह को जो है में इनका बॉडी मूव करता है सो so, टेबल कंडीशन में ये जो है एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है थीके? जो कि ग्रो करता है अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम जो डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है और इस्पोर्ट्स का बियर करता है ठीक है एट द टिप और उस स्पोर्ट्स में जो है टू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं ठीक है ये जो है किसी भी कंडीशन में हाई टेम्परेचर वग़ैरह में जो है और हाई टेम्परेचर में जो है ये सर्वाइव कर जाते हैं ठीक है क्योंकि उनका वॉल्स जो होते हैं क्या होता है ट्रू होता है और जो है जब एयर होता है तो ये स्पोर्ट्स जो होते हैं क्या होते हैं जब एयर चलता है तो फिर ये डिस्पोर्ट्स हो जाते हैं ठीक है ये स्लाइम मोड्स हो गए ये इसोफिटिक प्रोटिस्टा हो गए मतलब डेड एंडिकेइंग मटेरियल्स वगैरह में ये क्या करते हैं ग्रो करते हैं नेक्स्ट इज पोटोजांस ठीक है फिफ्थ इज प्रोटोजान तो प्रोटोजवान जो होते हैं वो हैड्रोटॉपिक होते हैं ये प्रीडेटर की तरफ भी लाइफ करते हैं और पैरासाइट की तरफ भी लाइफ करते हैं ठीक है तो ये फोर टाइप के मेजर जो है प्रोटोजवान के ग्रुप है फर्स्ट इज अमोबाइल प्रोटोजोआ ये ऑर्गेनिज्म जो है फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं सी वाटर में भी पाए जाते हैं और मॉइस्ट स्टॉइल में भी अमोबाइल प्रोटोजोआ पाए जाते हैं ठीक है ये मूव करते हैं और जो है इनमें ये जो है इनके अंदर जो है सीडोफोडिया प्रेजेंट होता है ठीक है सीडोपोडिया जिसको जिस तरह अमीबा की तरह अमीबा में क्या होता है सीडोपोडिया होता है ठीक उसी तरह इनमें भी जो है सीडोपोडिया होता है जिसके थ्रू वो जो है किसी ऑर्गेनिज्म को प्रे करके जो है अपना जो है भोजन बना लेते हैं ठीक है कुछ के बॉडी में जो सिल्क का सेल्स प्रेजेंट होता है ऑन देयर सरफेस ठीक है और जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटमीबा पैरासाइट ठीक है अनटमिबा पैरासाइट्स जैसे हो गया एंटेमीबा ये क्या है पैरासाइट से ठीक है नेक्स्ट है फ्लेजलेट प्रोटोजोआ ये जो है फ्री लिविंग होते हैं पैरासिटिक भी होते हैं इनमें भी फ्लैजला प्रेजेंट होता है चूंकि फ्लेजलेटेड प्रोटोजोआ हैं तो ये इनका पैरासिटिक फॉर्म जो है डिजीज काज करता है पैरासाइट्स है जब पैरासाइट्स रहते हैं तो डिजीज काज करेंगे जैसे स्लिपिंग सिकनेस हो गया स्लिपिंग सिकनेस किससे होता है एक फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा ठीक है इसी का मेंबर है ट्रिप्नोसोमा एक फ्लजिलेटेड प्रोटोजोआ है जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज करता है ठीक है दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आल्सो नीट एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओके नाउ सिलेटेड प्रोटोजोआ जो सिलेटेड प्रोटो होते हैं एक्वाटिक होते हैं एक्टिवली मूव करते हैं और इनमें जो है थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होता है चूंकि इसी वजह से इनको सिलेटेड प्रोटोजोआ कहते हैं इनमें जो है कैविटी होती है जिसको गलेट कहते हैं सेल सरफेस के आउटसाइड ठीक है इसी में अपना ये न्यूट्रिशन लेते हैं ठीक है जिस तरह फ्ला सीडोपोडिया होता है वाइट प्रोटोजोआ में ठीक उसी तरह से प्रोटोजोआ में हमें गलट होता है जो कि एक कैविटी है अब जो है ये मूव किससे करते हैं अपने सीलिय से मूव करेंगे और जो है आ, फूड और फूड वगैरह जो है अपने सीलिय से मूव करके जो है ये फूड वगैरह को ले लेते हैं और अपने गलट में क्या कर लेते हैं इंगल्फ कर लेते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम ओके यू कैन सी द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम ठीक है ये गलेट है इनके आउटसाइड बॉडी में एक गलेट इस तरह कैवटी बना हुआ है ये इनके आउटर साइड पे सीलिया प्रेजेंट होता है ठीक है तो इस सीलिया के थ्रू ये मूव करते हैं और जो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको अपने गलेट के अंदर क्या कर लेंगे, कर लेंगे गल्फ कर लेंगे ओके नाउ नेक्स्ट इज स्पोरोजुआन ठीक है ये स्पोरोजुआन -like, uh, होते हैं स्पोर लाइक मेंबर होते हैं ठीक है इन्फेक्ट करते हैं इनकी लाइफ साइकिल जो इन्फेक्टेड होती है इस पोर लाइक स्टेज होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया काज करता है ठीक है ये जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में जो है मोस्ट अफेक्ट का डिजीज काज करता है ठीक है मलेरियल पैरासाइट जिसको स्पोरोजवान भी कहते हैं इसका स्टेज जो होता है इन्फेक्सियस स्टेज होता है स्पोर लाइक -like होता है ठीक है डैट्स वाई दे आर नॉन एज स्पोरोजवान्स ठीक है दे आर हैल्सो इन्फेक्सियस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्लाज्मोडियम दैट इज मलेरियल पैरासाइट ठीक okay? so, है मलेरिया काजिंग एजेंट है डेट इज प्रोटोजोआ ओके सो दिज आर आर अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा यू हैव स्टडीड वॉट क्राइजोफाइट्स डाइनोफ्लेज स्लायोमोट्स एंड प्रोटोजोआ ठीक है अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी एंड सी आर टी लाइन बाई लाइन हमने पढ़ा है सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड आल्सो गिव योर फीडबैक ऑन कॉमेंट सेक्शन ओके सो तब तक लेतना ही थैंक यू हैव अ नाइट